रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट हैपेंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कि हम लोगों के पास सब चीजों के रहना बस वो गिवन होता है, ये ग्राफ, ये दिस दिस प्लेन। यहाँ पे भी नो कि ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे आओ तो नेगेटिव वाई आता है, इधर पॉजिटिव एक्स एंड इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये 1, 2, 3 बन जाता है, इधर हम -1, -2 और -3 बन जाता है, इधर हमारे पास 1 और 2 हो जाता है, और इधर भी -1 और -2 बन जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिनको हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि लेट्स से कि इफ आई हैव फॉर एग्जांपल क्लास अ पॉइंट ओवर है व्हिच इज 2, 1 एंड यहां पे मेरे पास -1 और -3। ठीक है, तो मुझे इसको ज्वाइन करना है। ये भाई ये मेरा पॉइंट, ये पूरी एक लाइन बन गई है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट उधर यहाँ है। अब लेट से मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ। पॉइंट लिखा कैसे जाता है, ऑलवेज नाउ पहले एक्स आता है और फिर वाई आता है, और इधर भी पहले एक्स आता है और फिर वाई आता है। ओके, हाँ, इसके बाद हम लोगों को ना कुछ चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ पड़ेंगी यहाँ पे। उसमें से पहली चीज है हमारे पास ग्रेडियंट। एरिया को इसमें उसको ग्रेडियंट कहते हैं, इंटर में उसको स्लोप कहते हैं। फॉर्मूला उसका सेम होता है, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आप इसके अंदर कोई भी y2 y1 चूज कर सकते हो, कोई भी x1। तो लेविगन से x1 y1 ये है और x2 y2 हमारे पास ये है। ठीक है, अपनी तरफ से चूज कर सकते हो। सो उसके बाद अगर हम लोग इसका आंसर लेकर आना चाहें, हम लोग कैसे लेंगे, वी कैन से दैट y2 क्या है भाई हमारे पास, y2 ये रहा -1 और y1 1 है, तो इट्स -1 -1 x2 is -3 - 2। ये हो जाएगा हमारे पास -2 upon -5, so that is 2 upon 5 हमारा ग्रेडियंट बन गया। अच्छा, याद रखना कि हम इसको ऐसे m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स एक्चुअली m ओवर हियर। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड चीज हमारे पास ये होती है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट इज मेकिंग द इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। एक, हमें इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए वी नीड द ग्रेडियंट और द स्लोप, सो वी नीड m, एंड द अदर चीज इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। ये दो चीजें चाहिए चाहिए ताकि हम लोग अपनी इक्वेशन बना लें। अब नाउ वी हैव द ग्रेडियंट एंड वी कैन टेक एनी पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ, लेकिन उसके लिए एक और चीज है तीसरी, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन व्हिच इज y - y1 = m (x-x1). तो इसके अंदर रिमेम्बर के ये जो y है और ये जो x है, दिस इज स्टेज द सेम, यानी ये y और x ये ऐसे ही रहेगा, इक्वेशन के अंदर भी ऐसे ही आएगा, बस ये यानी एंड में इसकी टर्म्स में इक्वेशन बन रही होगी। ये और ये दीज आर पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है, y1 और x1 वो है पॉइंट्स है हमारे। सो नाउ इफ यू हैव टू सॉल्व दिस, व्हाट विल से हम बोलेंगे भाई हमें y - y1 = m (x-x1) की इक्वेशन थी। तो ग्रेडियंट हमें पता है, ग्रेडियंट हमारे पास ऊपर क्या था, ग्रेडियंट हमें मिला था 2/5, सो दैट्स 2/5। एक्स वैसे ही रहेगा, माइनस करो, और यहाँ पे वाई वैसे रहेगा, माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, x1 और y1 कोई भी चूज कर लो। सो x1 y1 हमारा 2 1 था, x2 है y1 है, तो x2 है y1 है। सही, तो ये हो जाएगा हमारे पास y = 2/5x - 4/5+1। ओके, उसके बाद हमें क्या बोल सकते हैं, वी कैन से y = ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 4। सही है ना, और 2x - 4 हो जाएगा और ये +5 बन जाएगा upon 5। ओके, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस वुड बी ऑफ कोर्स 5y = 2x + 1 एज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना, ये चीजें ना काफी जरूरी हैं, यानी कि हमारे पास ये वाली ये तीनों चीजें समझना हमें। ठीक है, एक ये, दूसरा ये वाला ग्रेडियंट, जो यहाँ पे चीजें मुझे हमें याद रखनी होगी ना, उनको मैं इस पर्पल से शो करता रहूंगा। ठीक है, तो दो चीजें हो गई हैं, सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ग्रेडियंट चाहिए,
any single point of the line, and we should remember this equation. This is through graph. Now Isra is saying there is this equation which is what this third is y equals to mx plus c. एंड आई नो कि ये भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और वो ऊपर वाली जो मैंने बताई है वो भी होती है पर इस तरह यहाँ पे ना आपको स्टेप ज्यादा करने पड़ते हैं पहले यू विल यूज द ग्रेडियंट एंड एनी पॉइंट ऑफ द ग्राफ टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट ठीक है सी फाइंड करोगी और फिर सी और एम को यूज करके लास्ट इक्वेशन बनाओगी यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे सी ऑटोमेटिकली आप सी निकालना नहीं पड़ता आपको ऑटोमेटिकली सी एंड में शो हो जाता है 1/5 ठीक है यू डोंट नीड टू टेक इट आउट ओवर देयर ऑलराइट सो दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस इक्वेशन टू सेव टाइम नाउ This equation is also needed, and why is that needed? To find this is to find gradient and y-intercept from graph. Okay, find m and c from equation. इसके लिए कुछ पॉइंट जरूरी हैं मैं विंग से लिख रहा था ना हाँ सबसे पहले ये रखते हैं कि coefficient of y should be equal to 1. और दूसरी चीज क्या दैट वी विल यूज ओवर हियर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ठीक है यहाँ पे रिमेम्बर कि ये जो है ना ये जो m है ये हमारे पास क्या बन रहा है दिस इज आवर ग्रेडियंट एंड दिस c इज द y इंटरसेप्ट वो अभी मैं बताऊंगा y इंटरसेप्ट क्या होते हैं ठीक है पर लेट्स जस्ट से कि हमारे पास ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन क्या थी 5y इक्वल टू 2x प्लस 1 Now this is ये हम नहीं कर सकते अभी इससे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते why because y के पीछे 5 लगा हुआ है what we'll do is we'll say कि y equals to 2/5x plus 1/5 जब ये हो जाएगा तो उसके बाद we'll say कि भाई हमारी जो equation थी वो थी y equals to mx plus c so we can say from here that c equals to 1/5 हो रहा है और m is equals to actually 2/5 and this is correct So you can find, पहले मैंने सिखाया है ग्रेडियंट निकालने के बाद इक्वेशन बनाना और पॉइंट थ्री में मैंने सिखाया है कि इक्वेशन गिवन है उससे आप ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट निकाल रहे हो ठीक है सो बोथ एंड हमें समझ आने चाहिए जो यहाँ पे हो गए ओके सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है यहाँ मेंशन कर दिया सो अगेन दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू रिमेम्बर ओवर ओके लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज कि इंटरसेप्ट होते क्या है इंटरसेप्ट होते हैं ना सो लेट मी ड्रॉ ग्राफ ठीक है एक काम करो ऊपर वाले ग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं ठीक है ना यही एक ग्राफ है ना तो हम इसको यूज करते हैं तक ताकि सेम चीज रहे कंट्रोल सी राइट देखो ये हमारा ग्राफ आ गया अब इसके अंदर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ वाई इंटरसेप्ट होता है जो वाई की लाइन वो पॉइंट जो वाई की लाइन को काट रहा है So this is what? This is the y-intercept. And this is where x-axis को काटा जा रहा है ठीक है तो ये क्या है हमारे पास This is the x-intercept. This is the x-intercept. और होता क्या है क्लास कि यहाँ पे एक चीज समझो कि y-intercept से पहले x क्या है या चलो x-intercept को हटाते हैं पहले हम पहले y-intercept को फोकस करते हैं ये y-intercept से पहले x है माइनस वन और आगे है प्लस वन This y की जो लाइन है ना दिस इज एक्चुअली वट इज दिस दिस y की लाइन इज x इक्वल्स टू जीरो मतलब ये x वन है या माइनस वन है सो ये x इक्वल्स टू जीरो है सो y इंटरसेप्ट जो भी होता है ना इट इज ऑलवेज वट सो y इंटरसेप्ट क्या होता है भाई हमेशा इट इज ऑलवेज x जीरो होता है और y की कोई वैल्यू होगी ठीक है x जीरो होगा y बिकॉज आगे वन है पीछे माइनस वन है ये ओरिजिन की जो y एक्सिस है ना दिस इज ऑलवेज x इक्वल्स टू जीरो की लाइन सो x जीरो है और y की जो भी वैल्यू होगी वो रखी जाएगी यहाँ पे इसी तरीके से x इंटरसेप्ट है ये ठीक है दिस इज x इंटरसेप्ट और यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास यू कैन सी कि ये x एक्सिस की लाइन है ना ऊपर y वन है नीचे y माइनस वन है दिस इज y इक्वल्स टू जीरो की लाइन है ये पूरी ओरिजिन पे जो x एक्सिस है ना ये y यहाँ पे जीरो होता है तो यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंट बनेगा ना वो x की तो कोई वैल्यू होगी वो y में जीरो आ जाएगा y की जगह जीरो रखा जाएगा ठीक है तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारा y इंटरसेप्ट होता है उस पे x इक्वल्स टू जीरो होता है और जो हमारा x इंटरसेप्ट होता है उस पे हमारे पास y इक्वल्स टू जीरो होता है ठीक है अगेन दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस ऑलराइट ओके सही है भाई अब इंटरसेप्ट के बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ और इंटरसेप्ट के बाद हमारे पास आ जाता है
तो यही जो दो पॉइंट्स हैं जो हमारे पास थे, ठीक है, ये सब दो थे, इनके दरमियान हमारा मिड पॉइंट भी कोई हो सकता है, सही है। तो लेट्स से अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, वही ग्राफ जो पहले था, ठीक है भाई, अब कोई यहाँ पे बीच में कहीं ना आ रहा होगा मिड पॉइंट, इन एक ये रहा और एक ये रहा, इतना बड़ा जो ग्राफ है यहाँ पे, लेट्स से कि वो क्या दे रहा है हमें, मिड पॉइंट दे रहा है, हमें ये निकालना है। अब मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, रिमेंबर दैट मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और ये मिड पॉइंट हमारा निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमारे पास x1 क्या था, 2 था, x2 था माइनस थ्री, सो 2 माइनस थ्री हो जाएगा ये, कॉमा ये हो जाएगा फिर 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा माइनस वन अपॉन टू एंड जीरो, यानी x यहाँ पे माइनस हाफ है और जीरो, यानी x माइनस हाफ क्या होगा, कहीं यहाँ माइनस जीरो पॉइंट फाइव बन रहा है ना, जो एक्चुअली उसकी लाइन पे आ रहा है, यानी कि इधर जो हमारा इसका x इंटरसेप्ट है वही हमारा वो है, x इंटरसेप्ट ही बन रहा है, क्योंकि देखो y जीरो है ना यहाँ पे, सो इसलिए x इंटरसेप्ट यहाँ पे, सही है। तो ये हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट के लिए आपको याद करने की जरूरत है इस चीज का, इस फॉर्मूले का, गाइस नीड टू रिमेंबर दिस, ओके, दिस इज मिड पॉइंट। Alright, after midpoint class, we have the sixth, which is the distance between two points. Right? अब distance कैसे आएगा? Distance का formula होता है under root x2 minus x1 का whole square. Listen, distance हमेशा positive होगा, remember. तो distance दोनों का difference होगा, लेकिन उसको square कर देंगे ताकि उसको positive ले आए, ठीक है, यानी दो points का difference, पर उसको square करेंगे, because difference cannot be negative ever, okay? और फिर y2 minus y1, और उसको भी square कर देंगे, और फिर इन दोनों को under root कर देंगे, ठीक है, x2 minus x1 का whole square, plus है ये actually, plus y2 minus y1 का whole square, ये दोनों plus हो जाएंगे, उसके बाद under root आ जाएगा, सही है। सो अगर हमारे पास डिस्टेंस हमें दोनों का चाहिए, क्या हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1 यानी माइनस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस वन का होल स्क्वायर, सही है भाई, ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, माइनस फाइव का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4, तो प्लस 4, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। सो फॉर इन डिस्टेंस यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, ऑलराइट, कोई मसला तो नहीं है क्लास, ओके। नाउ इसके बाद आ जाओ हमारे ये छठा पॉइंट था, उसके बाद सेवेंथ पॉइंट पे, एंड सेवेंथ पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट्स, सो लेट्स जस्ट से अगेन ये हमारा ग्राफ है, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट था, अब एक और कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट थ्री कह लो इसको, ये पॉइंट टू हो गया और ये पॉइंट वन हो गया, तो ये तीनों कोलिनियर है, सही है। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज सेम, M1 equals to M2 equals to M3, इन तीनों पॉइंट्स के पर जो ग्रेडियंट है वो सेम है, बिकॉज ये सारे एक ही लाइन के ऊपर है, ओके। सो कोलिनियर में यू नीड टू रिमेंबर ग्रेडियंट इज सेम, आगे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन, कोलिनियर का मैं क्वेश्चन से ही कराऊंगा। अभी यहाँ तक याद रख लो कि देयर आर थ्री डिफरेंट पॉइंट्स या फोर या फाइव डिफरेंट पॉइंट्स, सब ऑन द सेम लाइन है, तो इनका ग्रेडियंट सेम है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। आफ्टर सेवन वी हैव एट, and this is two lines. अब अभी तक हमने जितने भी questions पढ़े हैं ना, सारे थे single line questions, ठीक है। अब हम लोग क्या start कर रहे हैं, we are now starting double line questions, ठीक है, two lines. Two lines के अंदर सबसे पहली चीज होती है parallel lines, क्या होती है, सही है। Parallel lines का मतलब क्या है class, if I have for example ग्राफ, अब हम ग्राफ चेंज कर देंगे थोड़ा सा,
या वैसे ग्राफ वही रख सकते हैं, लेट्स अज्यूम दैट ओनली. ओके सही है, ये हमारा ग्राफ हो गया. अब इसका जो ग्रेडियंट था, इफ यू गाइस रिमेंबर, इसका ग्रेडियंट क्या था, 2/5 था ना. हाँ 2/5 से ग्रेडियंट था. हाँ ओके भाई, यस. सो इसका ग्रेडियंट क्या था, इसका ग्रेडियंट था 2/5. पैरेलल लाइन क्या होगी क्लास, पैरेलल लाइन वो होगी जो इसके ही ग्रेडियंट पे चल रही होगी, यानी कि वो यूं जा रही होगी, बिल्कुल जैसे ये लाइन थी वैसे ही वो लाइन जा रही होगी. दे विल नेवर मीट विद ईच अदर. और ये भी इसका m इक्वल टू 2/5 हो जाएगा. सही है, इज पैरेलल. इसी तरीके से हमारे पास आएगी परपेंडिकुलर लाइन. ओके परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो हमारे पास, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइन होती है क्लास, जो यहाँ पे क्या बनाती है, हमारे पास ये बनाती है 90 degrees. सो इट विल जस्ट कट दिस लाइन एंड पुट दैट इनटू 90 degrees. ठीक है, सो दिस इज व्हाट 90 degree जो बनाती है हमारे साथ ये. लेकिन एक और भी चीज होती है और इसमें वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो वो दैट्स द 10th पॉइंट जो मैं पढ़ना है याद. परपेंडिकुलर, नो वेट 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 यहाँ पे रिमेम्बर, तो मैं याद, हम लोग को याद क्या रखना है, हमें यहाँ याद रखना है कि m1 is equals to m2. ये दो लाइंस का जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास सेम रहेगा. सो वी नीड टू रिमेम्बर दिस ओवर हियर. और परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, ये जो होता है ना, इसका जो ग्रेडियंट होगा, यानी ये m1 होगा ये, और ये होगा m2. तो m1 हमें पता है कि क्या था, m1 हमारे पास था 2/5. याद रखो परपेंडिकुलर लाइन का जो m1 होगा ना, दैट वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव इनवर्स ऑफ m2, या उल्टा ऑपोजिट. ठीक है, नेगेटिव भी होगा और इनवर्स भी होगा. तो मतलब ये हुआ कि m1 equals to minus 1/m2. ये मतलब इसका, यानी देखो m1 था 2/5, so m2 क्या होगा, एक तो नेगेटिव हो जाएगा और उल्टा भी हो जाएगा, यानी 5/2 बन जाएगा. ये इसका ग्रेडियंट है. सही है, so m1 अगर 2/5 है तो m2 हो गया minus 2/5. अगर m1 होता 1/6 तो m2 क्या हो जाता, minus 6 बन जाता. सही है, तो उल्टा भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है. सही है, परपेंडिकुलर लाइन में होता है. राइट, आफ्टर दैट क्लास हम लोग अदर 10th पॉइंट पे. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, ये हो गया आपका. ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता तो परपेंडिकुलर लाइन ही है, लेकिन वो इन दो पॉइंट्स के जो बीच में से था ना, मिड पॉइंट था ना, रिमेंबर, उस पे 90 डिग्री बनाता है ये. तो ये एम हर जगह 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री वहां पे जहां हमारे पास क्या आ रहा होगा, मिड पॉइंट आ रहा होगा. सो इट्स नॉट जस्ट 90 डिग्री एनीवेयर, इट्स अ 90 डिग्री एट द मिड पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज अ 90 डिग्री आई नो, बट दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. ये जो है ना, दिस इज द मिड पॉइंट एज वेल. ओके, सो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन एट द मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स. सही है, यानी कि ये जो बन रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका और इसका मिड पॉइंट था. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये लिखा है. और जाहिर है इसका ग्रेडियंट तो वही होगा जो था पहले, नेगेटिव. ओके, सो फॉर दिस यू नीड टू रिमेम्बर कि ये परपेंडिकुलर लाइन है एट मिड पॉइंट. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये क्या था, ये तो सिर्फ ग्रेडियंट इनवर्स कर रहा है. ठीक है, सो यू कैन सी ये मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है. ऑलराइट, आफ्टर 10 वी हैव 11. दो पॉइंट्स और रह गए क्लास, नहीं तीन बल्कि. 11 इज ओरिजिन एक्सिस. ओके, ओरिजिन एक्सिस का मतलब ये है कि लेट्स से इफ आई हैव दिस डायग्राम, हम चेंज करना पड़ेगा हमें.
सही है. सो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. ओके, मैं कहता हूं मुझे वो लाइंस चाहिए विच आर पैरेलल टू x एक्सिस. तो भाई वो क्या हो जाएंगी लाइंस, वो हमारे पास लाइंस आ जाएगी, ये लाइन बन सकती है हमारे पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी ठीक है, एंड भी ये भी ठीक है. ये सारी लाइंस जो है ना हमारी वो पैरेलल टू x एक्सिस है. और ये हमारी पास जो लाइंस है ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर परपेंडिक्यूलर टू y एक्सिस. दोनों चीजें, ये जितनी भी लाइंस है हमारे पास, ये सारी पैरेलल टू x एक्सिस है, आई नो, लेकिन ये सारी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी है, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. और इन सारी लाइंस का रिमेंबर कि जो ग्रेडियंट होता है ना वो हमेशा जीरो होता है. तो इसका ग्रेडियंट बिल्कुल, देखो ग्रेडियंट होता है क्या, ग्रेडियंट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप क्या होता है, लेट अस से कि मेरा ये टैबलेट है क्लास, ठीक है, इस टैबलेट में तुम लोगों को पढ़ाता हूँ. अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा और मैं इसके ऊपर कोई भी चीज रख दूं, इट विल नॉट फॉल डाउन बिकॉज इसका कोई स्लोप ही नहीं है. ये एक्स एक्सिस ऐसा ही है, हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई स्लोप नहीं है. तो दैट्स व्हाई द ग्रेडियंट इज जीरो ओवर हियर. जितना मैं एक्स एक्सिस को टिल्ट करता जाऊंगा वो स्लोप बन जाएगा और वो चीज गिर जाएगी. तो फिर क्या होता है, इस वजह से यहाँ ग्रेडियंट जीरो है बिकॉज देयर इज नो स्लोप, नथिंग विल फॉल डाउन. और यहाँ पे क्लास ग्रेडियंट बिल्कुल जो वाई एक्सिस होता है उस पे ग्रेडियंट क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, बिकॉज इट्स द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेडियंट. देयर कैन नॉट बी अ ग्रेडियंट मोर देन द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन. दैट्स व्हाई यहाँ पे अभी तक ये याद रखो कि ग्रेडियंट यहाँ जीरो होता है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज वन थिंग दैट यू गाइस नीड टू रिमेंबर. ओके, ऑलराइट, ये याद रखना होगा. लेट्स मूव अहेड. और ये एक और चीज भी करनी है हमें, लेट्स से कि अगर एक और हमारे पास ग्राफ होता, ठीक है भाई, ये हमारा ग्राफ है. नो वेट, इसको हम ब्लू से करते हैं और उसके बाद हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ओहो, अब ये उधर नहीं जा पाएगी तो इसमें हमें खुद डालना पड़ेगा. ठीक है भाई, अब एक और लाइन उसमें ड्रॉ कर देता हूँ हमारी ये थी, राइट. अब क्लास ये क्या है यहाँ पे, दीज आर ऑल पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, यू कैन सी दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, सो ये दीज आर ऑल पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑफ कोर्स दीज आर पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है. एंड लास्टली यहाँ पे तो ग्रेडियंट होता है, दैट इज इंफिनिटी, बिकॉज पे कुछ स्ट्रेट लाइन है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया उससे, इट इज द बिगेस्ट ग्रेडियंट पॉसिबल, सो वी टेक इट एज इंफिनिटी. ऑलराइट, सो यहाँ पे तुम लोग ये चीजें याद रखनी है. ओके, ये तीन चीजें याद होंगी. ऑलराइट, सही है भाई, ये भी हो गया ओरिजिन एक्सिस. लास्ट इज एरिया, एरिया ऑफ पॉइंट्स. लेट्स जस्ट से क्लास कि हमारे पास एरिया गिवन है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. उन्होंने बोला है कि 1.2 एक पॉइंट है, उन्होंने कहा 0.1 एक पॉइंट है, और उन्होंने कहा है कि 3.0 एक पॉइंट है. ये तीन पॉइंट दिए, बताओ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बताने हमें. सो ऑलवेज रिमेंबर जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस एक्स वन वाई वन x2 y2 x3 y3 x4 y4. जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर 1000 पॉइंट्स में होंगे ना तो हमें ऐसे डाल देंगे, लेकिन जो पहला पॉइंट हम जो भी लेंगे क्लास, ऑलवेज रिमेंबर उसको हम एंड में फिर से रिपीट करेंगे y1 पे. दिस इज एंड देन वी विल क्लोज. सो क्लोजिंग में यू गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन, ठीक है. जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है. प्लीज इसको क्लोजली लिसन करना. एरिया इक्वल्स टू 1/2 हाफ ई मॉडल हो गया. सबसे पहले x1 क्या है 1, ये है
और टू, वन और टू हो गए, एक्स वन वाई वन, फिर होगा एक्स टू वाई टू, हो गया एक्स थ्री वाई थ्री, और फिर जो भी हमारा पहला था हमने उसको रिपीट कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता पहला कौन सा चूज करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद क्लास ये मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले, सो ये क्या हो जाएगा, एरिया वुड बी इक्वल टू वन अपॉन टू मॉडुलस, वन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू। उसके बाद क्लास ये हम लोग इससे माइनस करेंगे, उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग राइट डाउन गए थे और प्लस कर दिए, अब हम लेफ्ट डाउन आते हैं वापस और हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो क्या माइनस होगा, सबसे पहले वन इंटू जीरो, सॉरी वन मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय टू, ये सब इससे माइनस हो जाएगा और बंद हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है। सो राइट डाउन वी एड, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड एड, एंड लेफ्ट डाउन वी सब्ट्रैक्ट, ओके। फिर क्या हो जाएगा भाई, अब हम इसको ब्लू से वापस कर देते हैं, सो एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ वन जीरो एंड सिक्स, इट वुड बी सेवन माइनस ओनली थ्री ओवर है थ्री, एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ फोर, फॉर दैट वुड बी इक्वल टू टू एंड आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू डू दिस टॉपिक। एरिया ऑफ पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रायंगल जैसा भी है, कोई भी शेप हो सकती है। जस्ट रिमेंबर टू पुट इन ऑल द कोऑर्डिनेट्स लाइक वी हैड इन दिस फॉर्मूला, बट रिमेंबर टू पुट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगेन इन द एंड, ओके, दैट्स हाउ यू क्लोज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज याद करने की जरूरत है, ठीक है। ऑलराइट, सही है भाई। Now let's move on to do some questions. Okay, this is the whole chapter जो मैं जो आप लोगों को explain करना था मैंने वो कर दिया। Let's move on and do some questions. The questions are in the topic. I'll just share with you. Just wait a second. हाँ, हम लोग ये कर रहे, देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने algebra कर लिया, surge, ये सारा हमने कर लिया है, ठीक है। देखो पता भी नहीं चलता और time कैसे गुजर जाता है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। We don't need to do logs and limits. It doesn't come anymore. We are not doing diagram geometry because that's angles. But now we are here at geometry word problem. So, इसके अंदर actually एक topic है वो हम कर रहे हैं. So let's come to page number 72. Page number 72. अच्छा, ये है diagram geometry, ठीक है? Angles वाला it doesn't come anymore. So we don't need to do that. Triangles नहीं करने की ज़रूरत हमें, ठीक है? हाँ, ऐसा circle कराऊँगा, ठीक है? Circle we'll do. Okay. Right, we don't need to do this. Geometry word problems ही आ गए, लेकिन ये हम बाद में करेंगे, ठीक है? यानी ये this is the second topic after. अभी ये मैंने नहीं पढ़ाया geometry word problem. आगे पढ़ाऊंगा. अब मुझे समझ आ रहा है ये उसमें index के अंदर एक topic गायब हुआ है, and that is this topic. Wait. Practice test 3 के बाद है. ये coordinate geometry and equation of line and circle. ये this is what I have explained you right now. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छा 85 याद रखना, ये है क्यों नहीं यहाँ पे? देखो ये टेस्ट 3 के बाद ना ये इंडेक्स में शो नहीं हुआ हुआ, ओके, सो डोंट नीड टू वरी, बस ये कर लेना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये इंडेक्स में शो नहीं हुआ हुआ, ओके। दिस इज पेज नंबर 85, ओके। यहाँ पे आ जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, यू नीड टू डू दिस, ओके। सो इट विल बी, अभी अच्छा बात है तुम लोगों को टाइम लगेगा करने में, तो हम स्टार्ट करते हैं, एंड प्लीज मार्क द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग वाइज, मैं बाद में लिख भी दूंगा आपके पास, यहाँ लिख लेता हूँ। So we need to do okay one parallel, then do four, okay, four ke baad do seven, nahi six bhi karo, seven dono mein fas ho gaye, six seven uske baad do 10 ke baad 13 और 13 के बाद 16 फिर से कर लेना और 17 18 करनी, 13 के बाद 18 के बाद 19 मैं कराऊंगा, उसके बाद 20 लिख लो, और 20 के बाद 22 और देना 24, ओके,
तो ये पहले 24 तक करते हैं, फिर मैं कराऊंगा, फिर तुम मैं करोगे, ठीक है? So let's start with 1, 4, 6. Then you guys do 7, 10, 13, 18, 20, and 24. 9 questions, guys. Okay. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए, you just skip it and move on to the next question. Okay. So for to do these 9 questions, you guys have 14 minutes. We will resume at 4:15 p.m. Okay. Please start. I hope you're going to try him at least. Let's start with question number 1. ठीक है भाई. Okay, so question number 1 says line, the length of a line segment whose end points are this. इसकी length बतानी है. तो यहाँ पे 2 points हैं. ठीक है भाई. सही है भाई. यहाँ पर 2 क्या पॉइंट्स हैं, 3, -1 और 6, 5. ओके, फिंगर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट होता है ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट अगर हम करें, x2 is 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 5 - (-1) का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर इज 9, और ये 5 + 1 = 6 का स्क्वायर 36. हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 45. दिया हुआ क्या है, ओके, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और हम इसको कर सकते हैं 9 × 5. 9 का रूट होता है 3, ये हो जाएगा 3√5 इज द आंसर. ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोना डू क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 से व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -4, 0. तो हमें एरिया चाहिए, एरिया का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ. सबसे पहले है -4, 0. ओके, देन वी हैव 2, 4, 4, 0. सो वी हैव 2, 4, 4, 0, और फिर ये रिपीट हो जाएगा, -4, 0 एंड में रिपीट हो जाएगा. ओके, उसके बाद हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले दिस विल बी हाफ मॉडुलस -4 × 4 + 2 × 0 + 4 × 0, और इसको माइनस कर देंगे, उल्टा देंगे, अब यानी ये माइनस में आ जाएगा सारे, 1, 2 और 3. क्या माइनस हो रहा है, -4 × 0 + 4 × 4 + 2 × 0. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल्स हो जाएगा हाफ मॉडुलस, ये हो जाएगा -16 बस, और ये क्या हो जाएगा, अगेन ये भी -16 हो जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस की वजह से ये मतलब -32 जो है +32 बन जाएगा, और फिर ये हमारे पास 16 आंसर हो जाएगा. सही है, ओके. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव 6. सिक्स कह रहे हैं कि भाई इन द फिगर अबव ABCD, ये ABCD हैं, सॉरी C और O इज द ओरिजिन. आर द वर्टिस ऑफ अ स्क्वायर, तो ये सारी साइड इसकी बराबर हैं, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर K and P. ए को वो के पी बोल रहे हैं, व्हाटएवर वो कुछ नहीं, ए का आंसर बताओ एक्चुअली में. सो लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट. ओके, इसके बाद वी हैव ओ, फिर हमारे पास ये बन रहा है. And this is a square, okay? This is A, B, C and O, right? अब वो कह रहे हैं A के coordinates जो हैं वो हमारे पास K, P हैं, सही है? और वो कह रहे हैं C के coordinates 4, 0 हैं, सही है? Now we need to solve this. So let's see, black से कर लेते हैं solve.
ओके सबसे पहले देखो ये 4,0 का क्या मतलब है कि ये 4 होगा, x एक्सिस पे 4 होगा। अगर ये 4 है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड की डिस्टेंस 4 है, उसका मतलब है कि ये भी 4 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 रहना चाहिए, ये भी हर चीज 4 है मतलब स्क्वायर। बिकॉज इफ दिस इज 4, ये भी डिस्टेंस 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका वाई एक्सिस जो है ना वो -4 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये नीचे आ रहा है तो यहाँ भी -4 बनेगा। अब ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है, तो वैसे 0 का मान -4 हो जाएगा। ठीक है इसको, हाँ ब्लैक काम गया, ये 0। ठीक है तो बिकॉज 4 का डिस्टेंस हट जाएगा तो ये नेगेटिव 4 बन जाएगा, नीचे की तरफ आ रहे एक्स एक्सिस पे तो 0 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर वो बी की भी वैल्यू पूछे तो हम बता सकते थे यहाँ से, देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पे बी क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है, देखो ये रहा 4, x एक्सिस पे ये आ रहा है, यही चीज x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे -4 आ रहा है, 4 का मान -4 भी होता। ठीक है दैट दे शुड बी आर दिस नॉट द सेम और व्हाट, माने यही चीज है, आई डोंट नो, होने तो ये चाहिए। कोई क्वेश्चन चेंज आ रहे क्या तुम लोगों के पास, राइट इज यूसुफ, डू यू डू यू हैव द सेम क्वेश्चन एज दिस और एनी अदर क्वेश्चन आ रहे तुम्हारे पास? ऊपर नीचे हो गया कोई पेज आपकी तरफ, देख लो उसको, अगर नहीं समझ आया तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 7, ओके 7 ये रहा हमारे पास, सो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके भाई This is the y-axis, of course, the x-axis, और वो लाइन है हमारे पास। अब वो लाइन को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो a और b है, a is 2, r, ये a है, a is 2, r, फिर b, which is, ये 2, t है और r, 5, और 2, t है। सही है? देखो ये एक्चुअली में दो पॉइंट्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस इन द ज्योमेट्रिक क्वेश्चन दैट व्हेनेवर यू गिवन अ लाइन एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन दे विल नेवर टेल यू इट इज, दे विल जस्ट शो यू दैट इट इज पासिंग, बट यू नीड टू नो कि ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन है एंड इसी से ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। ये है 0,0 भी इसका पार्ट है। तो हमेशा जब भी कोई ग्राफ के अंदर ओरिजिन से क्वेश्चन लाइन जारी होगी ना, वो कभी नहीं बताएंगे, ठीक है, मतलब ज्यादातर टाइम्स वो नहीं बताएंगे, तो लेकिन वो क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। सो मेक श्योर दैट यू रियलाइज दिस एंड यू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। सो 0,0 भी है हमारे पास। नाउ दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे मैंने बोला था मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स एक्चुअली, इसका और इसका जो ग्रेडियंट होगा और इसका जो ग्रेडियंट होगा दोनों सेम होंगे या इन दोनों का भी ग्रेडियंट सेम होगा। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट्स, ओके, सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। पहले इस लाइन को देख लेते हैं, तो ग्रेडियंट क्या होगा, m इक्वल्स टू y2 मतलब t -0 अपॉन x2 इज 2 -0, सो ग्रेडियंट आ गया हमारे पास t अपॉन 2। अब नीचे वाली लाइन का भी ग्रेडियंट देख लेते हैं, सो दिस इज m इक्वल्स टू, ये x1 y1 है तो इसको भी x2 y2 रख लो, दिस वुड बी 5 -0 यानी y2 -0, तो फिर x2 यानी r - x1 यानी 0, इट्स r - 0, सो ग्रेडियंट यहां से कितना जाएगा, 5 अपॉन r, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये t अपॉन 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन r। नाउ व्हाट दे वांट इज r इन टर्म्स ऑफ t, ओके, सो r को हम सब्जेक्ट बना देंगे, r इधर आ जाएगा, n अपॉन t हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके सही है भाई, 7 ऐसा हो जाएगा हमारा। 7 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन 10 से तो एरिया, अब ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है गाइस ये देखो, ठीक है इसका नाम हमारे पास स्क्वायर है, ओके। अब वो कह रहे हैं कि जो स्क्वायर है इसके अंदर एक ट्रायंगल भी है, सही है, वो भी डाल लेते हैं, ऐसे यही है ना, राइट तो ये हमारे पास बन गया। इसके बाद ये गिवन है ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी एंड डी, अपने हमारे पास क्या है क्यू एंड पी, सो वी हैव पी एंड क्यू एज वेल, एफ पी एंड वी हैव क्यू। इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, वो लोग कह रहे हैं 8, 9, 2, 5, 8, 9 एंड क्यू इज हमारे पास 2, 5, ठीक है राइट। और तो कुछ नहीं है, अब वो कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज 36, इसका एरिया कितना है 36 है, एरिया ऑफ द स्क्वायर 36 है, ओके भाई एरिया हमें हमें वो 36 बोल रहे हैं, 36 का अच्छा ये मसला ये कि ये 8 नहीं होगा, इसको चेंज कर लो, हम ये अपनी तरफ से डाल देते हैं एंड दिस इज नॉट 8 एक्चुअली, लेट्स कीप दिस एज 5, ओके दिस इज एक थोड़ा सा चेंज है वो कर लेना। अब देखो क्लास, अब ये जो 36 है हम बोलेंगे 36 है यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ यानी 36 एंड लेंथ हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी यहाँ, ठीक है। लेंथ 6 का क्या मतलब है, लेंथ 6 का मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ये जो है ना हमारा पूरा, ओके वेट ये जो है ना क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है ना 6 बन गया, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास 6 बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सो व्हाट विल डू इज हम ये बोल सकते हैं यार ये देखो, अब जो मैं ब्लैक सॉल्व से कर रहा हूँ, सॉल्व ब्लैक से कर रहा हूँ, तो वी नो कि यार ये हमारे पास 2 है, सो दिस नो साइज इज 5, ओके बिकॉज ये वाई एक्सिस पे 5 गिवन है और हमें पता है ये 2 है बिकॉज एक्स एक्सिस पे इसको 2 मिला हुआ है, वी नो दैट दिस इज 9, तो ये हमारे पास 9 बन गया, ये हमने पॉइंट डाल दिया। अगर ये 9 है क्लास और ये 6 यूनिट्स कम आएगा इस पोजीशन पे यहाँ तक, तो ये क्या हो, ये 3 बन जाएगा, इसी अगर ये 9 है और -6 कर दो तो यहाँ 3 बन जाएगा, तो 3 + 6 = 9, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 हो जाएगा हमारा। अगर ये 2 था और ये 6 आगे जाएगा तो बिकॉज ऑफ द लेंथ ये हमारे पास 8 बन जाएगा, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो हम सारे पॉइंट्स पुट इन कर सकते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, जैसे 2, 3, सी क्या बन जाएगा, सी 2 यानी एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 9 है, ए क्या बन जाएगा एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 3 है, और बी बन जाएगा एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 9 है, ये सारे पॉइंट्स हमारे फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो भी हमें चाहिए तो हम रख लेंगे, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, टाइम से इसलिए लगेगा क्योंकि मुझे ड्रॉ करना पड़ा है, ठीक है, वरना तुम लोगों को ड्रॉ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ओके सर ये एक्सप्लेन कर दें आपको क्या सर ये एरिया वगैरह वाली और ये पॉइंट्स आप शुरू बेटा तो शुरू में पूछ लिया करना, तुम उनमें एंड में पूछते हो जब मैं पूरा क्वेश्चन करा चुका होता हूँ, शुरू में ही समझ आया तब पूछ लो, मैं बताऊँ सारे मुझे मिटाना पड़ेगा एक्सप्लेन, ठीक
इस लेंथ सिक्स का मतलब ये यूसुफ के बेटा ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिक्स है, और इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल थी यानी ये हॉरिजॉन्टल भी सिक्स है, वो वर्टिकल थी और ये दोनों लेंथ हमारे पास सिक्स सिक्स हैं, ठीक है। इस सिक्स लेंथ के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल हैं। सो हमारे पास यहाँ क्यू का पॉइंट है 2.5, ये पॉइंट गिवन है। तो 2.5 का मतलब क्या है यूसुफ कि यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये 5 बन जाएगा। तो y एक्सिस पे यहाँ 5 है और इधर 2 है, ये समझ आ गया। अपने माइक ओपन रखो यूसुफ जी। सर यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब p है ना, p 5 है तो ये 5 बन जाएगा, और ये 9 है तो ये 9 बन जाएगा। यूसुफ ये समझ आया, सिर्फ पॉइंट्स पुट इन किया मैंने, ओके। हाँ सही है सर। अब 2 प्लस 6 कितना होता है 8, तो यहाँ 8 आ गया, ओके राइट। और यहाँ पे 9 है और 6 नीचे लेकर आ रहा है, तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3, 3 इधर आ जाएगा, समझ आया, ओके सही। ये पॉइंट अब जब ये चीज हो गई ना, तो अब तुम सारे पॉइंट्स फिल करना शुरू कर दो। यानी ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे कितना है, ये रहा 3। बी क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस पे ये 8 है, वाई एक्सिस पे 9 है, और C क्या बन जाएगा, X एक्सिस पे 2 है और Y एक्सिस पे भी 9 है, और D क्या है, D X एक्सिस पे 2 है, Y एक्सिस पे 3 है, ओके ठीक है, क्या बन गया, सही है। ऑलराइट क्लास, आफ्टर 10 वी हैव 13, राजा कह रहा है कि इफ द लाइन हूज इक्वेशन इज दिस, If the line whose equation is y equals to x plus 2k passes through the point 1 comma minus 3, then k is what? बस बहुत आसान है, यू जस्ट इसमें ना x की जगह 1 डाल दिया करो और 3 को y की जगह डाल दो, माइनस 3 equals to 1 plus 2k, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस 4 equals to 2k, यहाँ से k equals to minus 2 आ जाएगा, सिंपल, ओके। सो whenever you have any question like this, you just put in the numbers. After 13, we have 18. Okay, let's come to 18 class. Which slope, ठीक है, of the line which would be the slope of a line that contains 1 comma 1 and passes through the point 0 and 3, here ye extra given hai, all right, so what we do is this is a graph, all right, ab wo ye kya keh raha hai, wo keh raha hai which would be the slope of a line that contains this, ab wo do points hai 0 comma 2 ek point hai yani 0 comma 2 ye raha, 0.3 ये रहा एक और पॉइंट, सो ये रहा 3 और ये रहा 2। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाओ, तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, कहीं भी पॉइंट डाल दे, डजंट मेक अ डिफरेंस। वो कह रहे हैं इनके बीच में से एक लाइन जा रही है, सो लेट्स से कि हमारे पास एक लाइन है वो इनके बीच में से जाएगी कहीं से, ठीक है, या इनके बीच में से जा रही है, ये 1.2 नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ 1.2 हो जाएगा, लेकिन कुछ मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि तुम ग्राफ सही बनाते हो या गलत बनाते हो ना। लेट जैसे कि मेरे पास कहीं मैं बता नहीं रहा क्या 1 है क्या 2 है, ठीक है, अगर मैं ये भी ना रखूँ सिर्फ ये, यानी कि देखो बहुत आसानी होता है कि तुम बोलोगे 0.2 एक पॉइंट है, ठीक है, एक 0.3 एक पॉइंट है, सही है, और इन दोनों के बीच में से एक लाइन जा रही है, ओके, ये लाइन, और दिस लाइन, ठीक है, कंटेन्स 1.1, इस लाइन पे 1.1 एक पॉइंट है, एंड ये इन दोनों के बिटवीन जा रही है, यानी ये इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा, ओके, इन दोनों के मिड पॉइंट से और लाइन से जा रही है, और इसका लाइन का हमें स्लोप बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू होगा हो जाएगा 0 + 0/2, और वाई वन प्लस वाई टू होगा यानी 2 + 3/2, ओके, तो ये मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं, जो क्यों हो जाओ हमें जरूरत होगी ग्रेड निकालने के लिए, दिस वुड बी 0.5/2 मिड पॉइंट, ओके,
अब हमें इस पॉइंट के साथ हमें क्या करना है, हमें से ग्रेडिएंट निकालना है। तो ग्रेडिएंट कैसा आएगा, तो एक को y2 y1 कर दो, और यानी x1 y1 x2 y2, ओके। तो y2 is 1 minus 5 upon 2 upon x2 is 1 minus 0, this would be 1 minus 5 upon 2 जो बन जाएगा हमारे पास minus 3 upon 2 is the final gradient, ओके, समझ आया? Alright, सही है, एक सेकंड देना उस ओके ऑलराइट। सो आफ्टर 18 व्हाट डू वी हैव इज 20। ये समझ आ गया यूसुफ नासिर अस्का अरे गाइस हियर मुझे पता नहीं तुम लोग हो या नहीं। अस्का व्हाट अ लीस्ट इंटरएक्टिव क्लास टुडे। नासिर आर यू हियर? ऑलराइट नासिर इज। अस्का आर यू हियर? ओके अस्का इज हियर, एसएन इज हियर, अली रजा, शान, ओके अली अली इज हियर, वेयर शान, शान आर यू हियर? Sean, can you hear me? Where is Sean? Sean, can you hear me? Okay, let me put Sean in the waiting room. I don't know where Sean is. Okay. After 18, we have question number 20. Let's do question number 20 class. What is question number 20 saying? This says the line y plus 2x equals to b, ठीक है? The line, एक ये line है हमारे पास, सही है? It's perpendicular to the line that passes through origin, okay? If the two lines intersect, अब देखो हमारे पास एक graph अगर बनाए, ठीक है? कह रहे एक लाइन है y plus 2x equals to b, ठीक है? We don't know ये कैसी लाइन है, so we'll just make a line, ठीक है? Let's just make this line, and this is y equals to 2x plus b, नहीं y plus 2x equals to b, and it is perpendicular to another line that passes through origin, ठीक है भाई? यानी कि अगर आप एक और लाइन है that passes through origin ओके और इसके ये दोनों क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या क्लास, दिस इज k प्लस 2, 2k, ओके ऑलराइट, ये पॉइंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। ऑलराइट, सो व्हाट कैन वी डू इज, हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज गिवन है यहाँ पे, वो ये कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या मतलब है कि इसका जो ग्रेडियंट होगा ना वाई का, वो उसके ग्रेडियंट के साथ क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स होगा। अब मसला ये है कि यार इस क्या क्या ग्रेडियंट है, यानी इसका ग्रेडियंट क्या होगा। सो मैं कर रहा हूँ आंसर ब्लैक से, अगर करूँ तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस बी, और यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे कि इसका एम कितना है, यानी एम वन इज माइनस टू, ठीक है? तो इसका ग्रेडियंट आ गया हमारे पास माइनस टू। अब मसला है इसका ग्रेडियंट, तो यहाँ पे अगेन ये ओरिजिन से पास कर रहा है, जीरो कॉमा जीरो है इसका एक पॉइंट, और ये पॉइंट जो मैंने, तो हम यहाँ से ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होगा एम टू का, वाई टू कर लो टू के माइनस जीरो अपॉन के प्लस टू माइनस जीरो, तो हमारे पास एम टू क्या आ गया, एम टू हमारे पास आ गया टू के अपॉन के प्लस टू, सही है? अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम वैसे ही रख लेते हैं, टू के प्लस 2k upon k plus 2 equals to, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा और रेसिप्रोकल, यानी 1 upon 2 बन जाएगा, ये दोनों हम बराबर कर देंगे ताकि k की वैल्यू आ जाए। This would be 4k equals to k plus 2, और ये बन जाएगा 3k equals to 2, this would be 3k equals to 2, जो बन जाएगा k equals to 2 upon 3 is the final answer, okay? समझ आया? हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। हमने डायग्राम बना के देखा कि हमारे पास what's happening is that एक लाइन है पिंक वाली जिसकी इक्वेशन है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन जो ओरिजिन के साथ जा रही है, जहाँ पे जो पॉइंट ये बाइसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहां पे हमारे पास पॉइंट जो है वो k प्लस 2 कॉमा 2k है। वी यूज दिस पॉइंट एंड द ओरिजिन टू फाइंड
the gradient of the green line and iska to gradient hum equation se mil gaya, dono gradient ko humne equate kar diya after making it negative reciprocal, sahi hai? Aur fir hum k ka answer le raha, all right? Okay, so we're done with 20 and after 20 we have last, which was 24. Come on, come to 24 class. Sir, M1 ka gradient kaise nikle? Kiska na se? M1. M1 ka na se aise nikla ki remember humne shuru mein kya tha ki hamare paas hota hai y equals to mx plus c. To jo x ke saath jo coefficient hota hai wo kya hota hai, gradient batata hai. Theek hai? Is x ke saath kya coefficient hai? Is x ke saath coefficient hai -2. Okay sir. Oh, all right. Yeah. Okay. So next up we have 24. 24 is the last one. जो हमने दिया था उसके बाद हम और क्वेश्चन कर लेंगे. हाँ. और कह रहे हैं if अच्छा ये क्वेश्चन शायद जो है ना वो है क्या कहते हैं वो क्या if the slope of the line P shown in the figure above is 3/2 then इसके लाइन what is the value of b. अच्छा b यहाँ गिवन नहीं है, ये b इसका जो है ना ये x एक्सिस पूछा हुआ है, इसका b क्या है. सो यू कैन सी हियर के हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है. इस 3/2 वैल्यू ऑफ बी. या या ये मिसिंग क्वेश्चन है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, वी कैन नॉट यूज दिस. कुछ ना कुछ तो गिवन होना चाहिए था. इट्स नॉट बी भी नहीं पता ना कहें, बी भी नहीं लिखा हुआ कहीं. ओके तो 24 इस क्वेश्चन सही नहीं है. ओके सो लेट्स लीव 24 एंड मूव टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके सर पहले शान वेयर वर यू इन ड्यूरिंग द क्लास. शान हेलो शान कैन यू हियर मी. ओके क्लास लेट्स मूव अहेड एंड डू अदर क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 करो उसके बाद. चलो मैं आप लेता हूँ, तुम लोग बताना यू गाइस नीड टू 26 के बाद 28 और उसके बाद 30 के बाद 31 34 36 40 42 okay. 44 ओके सो दिस इज इट. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस 26 28 30 31 34 36 40 42 44 दिस टाइम क्वेश्चंस अगेन. ओके so please start, you guys have 30 minutes so we resume at 5 PM now. Okay please start. All right class let's start. Now you do this, come to question number 26. I really hope you are going to attempt here. Okay okay question number 26. M is the midpoint of the line joining A to B. Okay.
कह रहे हैं कि ए ये बी ये रहा और एम जो है ना उन दोनों का मिड पॉइंट है. दिस इज एम एज द मिड पॉइंट. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड एम आर 5:7 यानी जो ए है ये सॉरी ए जो है वो हमारे पास गिवन है 5.7 और एम जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है 0.2. ये द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी व्हाट बी चाहिए. देखो यहाँ मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ये बी निकालना है. सो व्हाट वी कैन से इज वो मिड पॉइंट जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2. यहाँ मिड पॉइंट कितना गिवन है 6.2 गिवन है इक्वल्स टू. अब एक चीज गिवन है हमारे पास 5 गिवन है, यहाँ पे हमें निकालना है x, y क्या है. वी कैन से दिस इज 5 + x / 2 और दिस वुड बी 7 + y / 2. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे हम लोग इसको 0 हाँ ठीक है. तो ये x के साथ आ जाएगा और ये y के साथ. ठीक है, x x के साथ आ जाएगा, y y के साथ. सो 6 = 5 + x / 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 = 7 + y / 2 हो जाएगा. 12 = 5 + x तो दिस ऑफ कोर्स x यहाँ पे आ जाएगा 7. ये हो जाएगा 6 नहीं 0 है. ओह सॉरी सॉरी माय बैड. 0 0 ठीक है. यस शान सर ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 = 7 + y कैसे हुआ है. ओके तो यहाँ पे शान हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है. x की वैल्यू x के साथ इक्वेट हो जाएगी, y की वैल्यू y के साथ इक्वेट हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज बीच में कॉमा आ रहा है. सो सर ये नहीं होगा 0 इज अच्छा ठीक है समझ में आ गया. फिर वो उसका आपने 0 नहीं डाला था तो मुझे समझ में नहीं आता. 0 = 5 + x / 2 हो जाएगा तो जैसे उसका 2. ठीक है समझ में आ गया सर. ठीक है, दिस वुड बी व्हाट x = 5 हो जाएगा हमारे पास. नहीं -5 हो जाएगा सॉरी. ठीक है, -5 हो जाएगा. ओके ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 = 7 + y तो y = आ जाएगा हमारे पास -3. तो हमारा जो ये बनेगा ये दिस वुड बी सॉरी -5, -3 बन जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. ये 26 हो गया. 26 के बाद भी है 28. The point is this and this are collinear. The value of y will be what? ये अभी तीनों collinear हैं. So we know कि हमें इन दोनों का gradient और हमारे पास इन दोनों का gradient same होगा. तो हम लोग y की value निकाल सकते हैं. हम लोग एक निकाल लें. एक सबसे पहले देखो हमारे पास कोई भी line है उसमें हमारा -1.4 है. फिर हमारा 2.y है और उसके बाद हमारा -2.5 है. तो पहले इन दोनों का gradient निकाल लो, फिर इन दोनों का gradient निकाल लो, उससे y पता चल जाएगा. सही है. So put in the values such as x1, y1. -2 - -1 ओके ये हो जाएगा इक्वल टू 1 - -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा -1 पूरा हो जाएगा. अब ये दोनों ग्रेडियंट इसके बराबर है. वी कैन से कि यहाँ पे y + 1/2 यानी ये वाला जो ग्रेडियंट है यानी -2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. y + 1 = 2 एंड y = 1 आंसर हो जाएगा हमारा. ओके आफ्टर 28 यस यूसुफ सर मेरा आंसर 3 आ रहा है. तुम्हारा 3 आ रहा है. एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं तो गलती ही हो. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मेरा भी 1 ही आ रहा है. ओके लेट्स से ये y -1 हो जाएगा, फिर 2 - 4 हो जाएगा. ओ सॉरी मैंने गलत किया. मैंने ये y -4 होगा और ये 2 -1 होगा. So this will be y -4 and 3.
ठीक है, ये सही है हमने, 5 -4 है और -2, ये सही है हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y -4/3 -1 मेरा y -4 = -3 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 4 इज मेरा तो फिर 1 आ रहा है, तो -3 हो जाएगा और प्लस 4 ओके y -4 and 3 सही है, प्लस 5 -4 and -2 + 1 -1 ये -3 हो गया, ओके ये सही लिखा हमने यार, -3 + 4 1 आ रहे हैं मेरे पास, चेक कर लो तुम लोग, देख लो ऐसे देखो तुम्हारी गलती ना हुई है। सर मेरा भी 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, हाँ तो सही है, ओके वन सही है, राइट ओके। आफ्टर 28 वी हैव 30, क्वेश्चन 30 पे आ जाओ, क्वेश्चन 30 द वैल्यू ऑफ के value of k so that the point this 7, 3 this and this are vertices of a right angle triangle at this, देखो the right angle triangle होता है ना, वो होता है ऐसे, ठीक है अब वो कह रहे हैं कि right angle triangle बन रहा है -1, 0 पे, यानी इसका मतलब है कि -1, 0 इधर बन रहा है जहाँ 90 degree है, right angle triangle क्या होता है, जहाँ 90 degree होता है, फिर उसमें से कोई एक पॉइंट है हमारे पास 7, 3 और दूसरा जो है वो हमारे पास रह गया k, 2, वैल्यू ऑफ k चाहिए। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बिकॉज ऑफ दिस 90 degree ये ग्रेडिएंट और ये ग्रेडिएंट एक दूसरे के क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बन जाएंगे, तो हमें पहले ये ग्रेडिएंट निकालना है फिर ये निकालना है, यानी वी कैन कीप दिस एज x1, y1, x2, y2 और ये भी बन जाएगा x1, y1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का निकालें तो इनका ग्रेडिएंट क्या हो जाएगा, मतलब 3 -0/7 -1 जो बन जाएगा 3/8 और फिर आप इन दो और फिर हम लोग निकालें इन दो का, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या हो जाएगा y2 = -2 and -1 - k जो बन जाएगा आपका -2/-1 - k। अब ये दो ग्रेडिएंट्स हो गए, तो ये ग्रेडिएंट आप पहले लिख लेते हैं -2/-1 - k इक्वल्स टू 3/8 नहीं होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर, सो -8/3 कहाँ चला जाएगा, ये तो -6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -8 × -1 - k -6 = 8 + 8 k हो जाएगा, यहाँ के 8 k इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -14 k हो जाएगा हमारे पास 14/8 यानी -14/8 2 4 शान देख लो बेटा इसको, तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। शान पहले हमने यहाँ इन दोनों का ग्रेडिएंट निकाला है, इन दोनों पॉइंट्स का ये रहा, ठीक है 3/8 फिर हमने इस इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडिएंट निकाला है जो ये रहा -2/-2 ये दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है बिकॉज इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है हमने, ठीक है जी है? तो हमने इसको पे इक्वेट करो वहां पर किया गया, सही है ओके सर। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब देखो अगर मैं यहां ड्रॉ करूं यहां मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 ये रहा -3 ये रहा यहां से एंड पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो व्हाट इज दिस, ये ऐसे जा रही है यानी यहाँ पे क्या है ये -3 है और ये क्या 2 है। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी लाइन की, ओ ये मैंने तुम लोगों को नहीं समझाया उसमें, वेट एक्स सॉरी एक सेकंड होगा
राइट, यू रिमेंबर ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस की बात में कर रहा था। और लेसन यहाँ पे ना, जैसे ये वाली है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, इसमें इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे देखो ये वाली जो टॉप की जो लाइन है ये देखो, यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्स की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे हर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कवर हो रही होगी, सिर्फ वाई की सिंगल वैल्यू होगी। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं जो भी होगा वाई इक्वल टू, हो सकता है वन हो, वाई इक्वल टू टेन हो, जो भी हो, ठीक है, दिस वुड बी समथिंग वाई इक्वल टू। और यहाँ पे भी अगर है कि ये y इक्वल टू माइनस फाइव है तो ये y इक्वल टू माइनस फाइव होगा, ये जितनी भी लाइन्स हैं इक्वल टू y में रहेंगी। और ये x एक्सिस होता है क्लास, दिस इज व्हाट y इक्वल टू जीरो, दिस इज, ये इक्वेशंस भी याद रखनी होंगी हमें, ठीक है, मतलब याद क्या रखना है, मैं समझ लो कि जो पैरेलल टू x एक्सिस है वहां पे सारे x की वैल्यूज विजिबल है, तो हम x की टर्म्स में इक्वेशन नहीं बना सकते बिकॉज हर x पॉसिबल है वहां पे, सिर्फ y इक्वल टू टेन हम रखेंगे या y की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी बिकॉज सिर्फ वो एक सिंगल वैल्यू है जो उसको डिस्टिंग्विश करेगी फ्रॉम एनी अदर इक्वेशन। ओके, तो ये y के टर्म्स में रहेगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ये x की वैल्यूज है, यानी x इक्वल्स टू वन है, ये x इक्वल्स टू टू है, ये x इक्वल्स टू थ्री है, ये x इक्वल्स टू माइनस टू है, ये x इक्वल्स टू माइनस थ्री है, तो यहाँ पे सारी x की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी बिकॉज यहाँ y की हर वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ x की इंडिविजुअल वैल्यू इसको डिस्टिंग्विश करेगी। और जो y है ना उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू जीरो होती है, सही है, तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो हमारी एक बार इक्वेशन बन जाएगी, y एग्जैक्टली y की जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन y x इक्वल टू जीरो है, और x की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू जीरो, सही है। सो रिमेंबर के पैरेलल टू y एक्सिस में ना, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ना x इक्वल टू करके इक्वेशन बनती है, सही है, और पैरेलल टू x एक्सिस में जहाँ वहां पे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो y इक्वल टू करके बनती है इक्वेशन, सही है। सो कंटिन्यूइंग दिस, अब ये क्वेश्चन देखो हमारे पास जो आया हुआ है, फाइनल जो अभी हम इसमें है, ये क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 कॉमा माइनस 3, जैसे ये रहा 2 कॉमा माइनस 3 से पास हो रही है एंड इट्स पैरेलल टू x एक्सिस, ये एक्सिस के पैरेलल भी है, सो इक्वेशन क्या होगी इसकी, दिस वुड बी y इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पे, सही है, यानी x के तो हर वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ y माइनस 3 होगा यहाँ पे, ओके, सही है। 31 के बाद भी 34 अलोंग द सेम लाइंस, 34 क्या कह रहा है, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ओरिजिन तो ये रहा हमारा, एंड हैविंग द ग्रेडियंट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिट ग्रेडियंट था हमारा जब ये वर्टिकल थी, ठीक है, रिमेंबर कि मैक्सिमम स्लोप क्या होगा जब ये वर्टिकल होगा, सो हमारी जो लाइन है वो क्या बन रही है, हमारी जो भी लाइन बनेगी वो ऐसे कहीं बनेगी, यहाँ पे ऐसे ये लाइन बन रही है हमारी, ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, थी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है, बिकॉज देखो एक्स वन यहाँ है माइनस वन यहाँ है, तो इधर क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, ओके, राइट। आफ्टर 34 वी हैव 36, यार अगर कहीं फंस रहे हो तो प्लीज पूछ लो मुझसे, ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे हो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, आई नो, सही है, सो इफ यू आर कंफ्यूज यू गाइस कैन आस्क, ओके। इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इज पैरेलल टू दिस, देखो अब क्या कह रहे हैं वो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू टू, ये y इक्वल टू टू है, इसके साथ ही पैरेलल होगी, लेकिन ये y इक्वल टू टू की जो लाइन है ये नहीं है, ये पास ओरिजिन से कर रही है और इसके पैरेलल है y इक्वल टू टू के पैरेलल है, जाहिर है पैरेलल टू x एक्सिस हो रही है, यानी ऐसे कोई लाइन बन रही है, और ये क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू जीरो बनेगा हमारा, तो ये x एक्सिस पे आ रही है, ओरिजिन में थी तो ये ओरिजिन, ये रहा पैरेलल है y इक्वल टू टू के, तो y इक्वल टू के पैरेलल का मतलब है कि x एक्सिस पे बन रही है यहाँ पे, ओके। Any problem up till now? All right, let's come to question number 40. Okay, you sabko samajh aaya, great. The equation of the perpendicular bisector of the line joining point this and this. Ab dekho, do points hamare paas, ek ye raha, chahe graph pe bana lena, koi masla nahi hai isko. ठीक है, यू कैन मेक दीज पॉइंट्स एनीवेयर, वो वाले ऊपर वाले पॉइंट्स ग्राफ को बनाना जरूरी होते हैं,
अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन चाहिए, ठीक है, बट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, या चलो एक काम करते हैं तुम लोग, जब सही है सी, मतलब इन दोनों दरमियान से एक लाइन गुजर रही है, ठीक है गाइस, यहां से एक लाइन गुजर रही है, एक लाइन ऐसी बना देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या ठीक है, लेट्स से एक गेरा पॉइंट जिसका वो ऊपर है और एक गेरा, ठीक है, ये तो एक लाइन गुजर रही है, और फिर क्या इसमें से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजर रहा है, यानी कि वही गुजर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है क्लास, जो 90 डिग्री भी बनाता है और यहाँ पे वो मिड पॉइंट भी देता है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, क्या होगी, सही है। अब इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से बनाते हैं। नाउ वी नीड द ग्रेडियंट एंड एनी एंड द पॉइंट ऑफ दिस पिंक लाइन, पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट से आएगा, तो मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट क्या होगा भाई, ये हो जाएगा जीरो प्लस फोर अपॉन टू, ठीक है, एक्स एक्स से दोनों प्लस कर दिए और फिर वाई की वैल्यूज प्लस कर दो, विच आर एट प्लस टू अपॉन टू, तो ये बन जाएगा हमारे पास टू कॉमा फाइव मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट वुड बी व्हाट 2.5। फिर हमें चाहिए ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ब्लू का ग्रेडियंट निकालते हैं, तो इस ब्लू का क्या ग्रेडियंट होगा भाई, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, तो ब्लू का ग्रेडियंट क्या होगा, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन यानी एट माइनस टू, जीरो माइनस फोर यानी एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन माइनस फोर, जो बन जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, ये ग्रेडियंट बन गया। तो दिस लाइन का जो हमारा ग्रेडियंट है ना वो m इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू है, तो पिंक लाइन का क्या ग्रेडियंट हो जाएगा क्लास, दिस वुड बी m इक्वल टू टू अपॉन थ्री पॉजिटिव, सही है, यानी ग्रेडियंट माइनस टू अपॉन थ्री था ग्रीन लाइन का, तो हमने उसको टू अपॉन थ्री पिंक का बना दिया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन के लिए डाल देंगे y माइनस वाई वन क्या होगा फाइव इक्वल टू टू अपॉन थ्री ग्रेडियंट x माइनस टू, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू टू अपॉन थ्री x माइनस 4 upon 3 plus 5, ये जाएगा y equals to 2x minus 4 plus 15 upon 3, ये जाएगा 3y equals to 2x plus 1 as the final equation, okay? So let me tell you मैंने क्या क्या steps किए हैं, सबसे पहला step हमने midpoint बनाया, दूसरा step हमने उस equation का gradient निकाल लिया, ठीक है, जब एक ग्रेडियंट और ये आ गया तो थर्ड स्टेप में बस हमने उसको पुट इन कर दिया, सॉरी थर्ड स्टेप था उसका हमने ग्रेडियंट निकाला ये वाला पे, एंड देन दिस वाज द फोर्थ स्टेप, ऑलराइट, इसका इसका आपको समझ आ रहा है, इसका साथ है सर जब हम एलसीएम लेंगे तो 515 ही हो जाएगा, हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, आई एम सॉरी 15 माइनस 4 वुड बी 11, ठीक है, ओके इसका, एंड इल्सा सॉरी इसरा Yes, sir. रामेश अली रजा All right. here. Okay, great. All right. So after 14, we have 42 and 44. Okay, अभी हमें समझाना है 42. Alright, the graph of a line gets itself in a slope 4 and contains point this. So this is a big question. Let's do this. Okay, has slope 4 and contains the point 7.8. So we have this 7 and we have this, let's say, 8 over here. So here is 7.8. And has slope 4, so we draw it as a line, okay? तो लेट्स से ये हमारा ये बन गया, ठीक है, दिस लाइन वन, लेट्स कॉल दिस लाइन वन, और इस पर हमारा पॉइंट क्या बन गया 7.8, और इसका ग्रेडियंट कितना है इक्वल टू है 4। द ग्राफ ऑफ द सेकंड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -7 -8, ठीक है, तो दिस इज -7 एंड 1 2 3, सो 1 2 3 ये -8 ये रहा,
फिर वो कह रहे हैं एंड माइनस एट माइनस सेवन, तो ये हो गया माइनस एट, ये हो गया माइनस सेवन, ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे भी एक ग्राफ बन रहा है, इसको हम लोग बना लेते हैं ब्लैक से, दूसरी लाइन हमारी बन गई, ठीक है। हाँ भाई कौन पूछ रहा है, पूछो। सर इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? अभी तो वेट करो ना, अभी तो नहीं पूछ रहे ना वो मिड पॉइंट, ठीक है, जस्ट वेट। अब कह रहे हैं द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी क्यू, सो दे आर आल्सो इंटरसेक्टिंग, ओके लेट्स जस्ट से दैट इट इंटरसेक्ट हाँ, ठीक है। यहाँ पे वो आगे जाके इंटरसेक्ट करिए लाइन यहाँ पे, एंड दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है। इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी कॉमा क्यू, सो दिस इज पी कॉमा क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्री पी माइनस टू क्यू, ओके। अच्छा ये दो पॉइंट्स भी गिवन, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज माइनस एट माइनस सेवन एंड दिस इज माइनस सेवन कॉमा माइनस एट, ओके। दिस इज द पॉइंट, ओ दिस इज रॉन्ग, वेट वेट वेट, मैंने गलत किया। If the second, if the graph of the second line passes through the point, okay, no wait, this is wrong. Wait. Sabar karo. ये दो पॉइंट दिए हैं माने, कह रहे हैं जो सेकेंड लाइन है ना passes through the point this and this, ठीक है, तो सही तो है मेरे पास, तो सॉरी अगर ये दोनों passes through the points, the graph of the second line passes between the points होना चाहिए था, अगर ये वहां से गुजरेगी तो ये हो जाएगा ओके। नहीं हमें सही तो क्या था, गलत नहीं है, हमें सही तो क्या है, ओके the graph of the second line passes through the point of this and this, ओके okay. वैसे ये इसका जो है ना ये पासिस थ्रू द पॉइंट जो है ना ये पासिस बिटवीन द पॉइंट है, सो कैंसिल दिस थ्रू एंड पुट इट बिटवीन कर दो, थ्रू में तो वो आसान हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, इस इक्वेशन बनाओ, इस इक्वेशन पता है वो आसान से आंसर आ जाएगा, दिस इज व्हाट शुड हैव बीन बिटवीन, सही। तो यहाँ मसला आएगा, अब आएगा मसला यहाँ पे, ठीक है, क्यों वो इसलिए आएगा कि वो कह रहा है कि ये दो पॉइंट है ना, सही है, इनके बीच में से कोई एक लाइन जा रही है, लेट्स जस्ट से, और वो मिड पॉइंट से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी लाइन जा रही है, लेट्स से कि वो कोई अगर लाइन जा रही है तो वो ऐसे जा रही है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से जा रही है, बिटवीन का मतलब है बीच में से ना, ओके नहीं नॉट लाइन वन अनदर लाइन, द ग्राफ ऑफ द सेकंड लाइन की बात हो रही है, पासेस बिटवीन, ये लाइन टू है, ठीक है, दिस लाइन टू एंड इट्स गोइंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट से जा रही है और यहाँ जाके वो उसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, एंड दिस इज एक्चुअली पी कॉमा क्यू। अब हमें पी कॉमा क्यू निकालना है, ओके, वो कैसे निकलेगा, जब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। यस शान, तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारा हाथ रेज हुआ है, ये हो गए हमारे पिंक लाइन की इक्वेशन। अब हमें चाहिए ब्लैक लाइन की इक्वेशन, वो कैसे आएगी, ब्लैक लाइन की इक्वेशन ऐसे आएगी कि हमें इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड इट इज, या लेकिन ये तो थ्रू द पॉइंट्स है, इसके अंदर वो ये तो नहीं बता रहे कि इसके परपेंडिकुलर है क्या है, सो यहाँ पे तो ये दे नीड टू टेल द, ओके वेट, द ग्राफ ऑफ द सेकंड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, या लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता, मिड पॉइंट तो हमारे पास आ जाएगा, वैसे हमारे पास ग्रेडियंट नहीं आएगा, सो वी कैन नॉट फाइंड दैट, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, वेट आई एम सो सॉरी, जस्ट वेट वेट वेट
ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम इसे ग्रेडिएंट बना नहीं पाएंगे, जो वो कह रहे हैं ना उसी को ही रखो, वो कह रहे हैं कि थ्रू द पॉइंट जा रही है तो थ्रू ही करो उसको, ठीक है, सो मेक इट थ्रू द पॉइंट्स, और वो कह रहे हैं तो उसको थ्रू द पॉइंट्स रखो, सही है, मेक दिस ग्रीन लाइन, सही है, और फिर ये जो है ना ये उसके साथ हम लोग ले जाएंगे, ये आ गया हमारे पास पी कॉमा क्यू, ओके सही है भाई। अब हमें ग्रीन लाइन के चाहिए, ग्रीन लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो देखो अब हम वो नहीं कर रहे थ्रू द पॉइंट्स नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ग्रेडिएंट नहीं पता चल पाएगा वहां से, तो ऊपर से गलत हो जाएगा, ये सही इन दोनों पॉइंट से जाते हुए यहाँ पहुंच रही है, सो इट्स फाइन, ठीक है, बिटवीन इस इनके थ्रू जा रही है, तब हमें एक चाहिए, हमें ग्रेडिएंट चाहिए होगा, ग्रेडिएंट क्या हो जाएगा y2 यानी -7, यानी इसको रख लेते हैं हम लोग एक्स वन वाई वन, इसको रख लेते हैं एक्स टू वाई टू, सो वाई टू सबसे पहले बन गया -8 माइनस इंटू -7, फिर बन गया -7 माइनस -8, जो बन जाएगा -8 प्लस 7 हो जाएगा -1, और -7 प्लस 8 हो जाएगा 1, तो यहाँ से ग्रेडिएंट हमारा बन गया -1, सही है, ये बन गया ना, तो ये हो गया -1 ऊपर से -7 प्लस 8 इज 1, सही है, सो दिस इज क्लास ग्रेडिएंट हमारे पास आ गया है m इक्वल्स टू -1। अब हमें इक्वेशन चाहिए इसकी, इक्वेशन किसी भी एक पॉइंट से मिल जाएगी, यानी पॉइंट हो जाएगा y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, सो y माइनस इंटू -7, देखो मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ओके m है -1 x माइनस -8, सही है, ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 8 फिर से, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 15, ये हो गया हमारे पास l2 की इक्वेशन, दिस इज लाइन 2, ठीक है, अब लाइन 2 की इक्वेशन मिल गई, पिंक की इक्वेशन मिल गई, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे एक साथ, दिस वुड बी y इक्वल्स टू 4x माइनस 20, दिस वुड बी y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 15, अब हम कर देंगे सॉल्व, यानी ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, क्या रह जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू 5x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये x माइनस 1 हो गया, इसमें पुटिंग कर लो, y इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 20, ये y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 24, ठीक है, माइनस 1 माइनस 24 हो गया, अब हमें हमें आंसर नहीं मिला, आंसर हमें चाहिए 3p माइनस 2q, सो वी वांट 3p माइनस 2q, हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 24, तो माइनस 3 प्लस 48, और ये बन जाएगा 45, क्या हमारे पास आंसर 45 नहीं आंसर, क्योंकि अगर कोई गलती की गई है वो ऐसे है, तो ना एक तो इतना बड़ा प्रश्न है तो आईबीएम अटेम्प्ट ही नहीं करना तुम लोग, ओके सही, सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन बनाई है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 3 है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसका ग्रेडिएंट आ गया माइनस 1, फिर हमने इससे माइनस 1 के थ्रू बनाया हमने माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 8 माइनस 15 बन गया, माइनस 6 माइनस 15 था 5x माइनस 5 x इक्वल्स टू 1 है ये, तो फॉर दिस इज x इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, प्लस 1 है, प्लस 3 एंड दैट इज 51 आ रहा है हमारा आंसर, वो भी नहीं ले, खैर छोड़ो यार, मैं भी इसके इन डेप्थ में नहीं घुसा, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स नॉट सपोज टू बी अटेम्प्टेड बाय यू इन दैट एग्जाम एज वेल, सही है, कोई मेरा कैलकुलेशन एरर हुआ है आई डोंट नो व्हाट, बट यू नो दिस इज द जस्ट ऑफ दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन कैन गो, ओके, सो बेहतर है कि इन क्वेश्चन को छोड़ देना, मुझे अगर 6 मिनट लगे इसको सॉल्व करने में तुम लोगों को भी टाइम लगेगा, ठीक है, सो जस्ट लीव इट यार, वैसे कोई कैलकुलेशन एरर है कोई समझ नहीं आ रहा कौन सा है, y इक्वल्स टू व्हाट सर, y इक्वल्स टू माइनस 4x क्वेश्चन या देख लेना, ठीक है, अभी मुझे वैसे भी तुम बेहतर ही हो, तुम वो बेहतर क्या करना ही, ऐसा कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाए फिर जस्ट वेस्ट टाइम और फिर उसका मसले होते हैं, ओके जस्ट लीव इट, आई एम लीविंग इट ओवर देयर ओनली, कम टू क्वेश्चन नंबर 44 नाउ, ओके 44 ओके,
That is the biggest question it can get, okay? So just fine, you can leave it. 44 by 1. The line intersects the y-axis, the x-axis at x equals to minus 4. Okay? Intersects the x-axis. और उसके बाद एंड दी वाई एक्सिस दे फाइनल स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ओके ये सही है दिस इज समथिंग गाइस कैन अटेम्प्ट देखो एक्स एक्सिस एट माइनस फोर है वाई एक्सिस एट माइनस फाइव है ओके ये एक लाइन है अब इसकी ये लाइन जो इस तरीके से बन रही होगी हमारे पास ठीक है ऑलराइट अब वो कह रहे हैं फाइनल स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर दिस तो ये लाइन एल है अब इसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन हमें चाहिए तो उसका हमें स्लोप पता करना है स्लोप हमें इसका पता करना है नॉट ऑफ द पिंक लेकिन हम पिंक को ही जाहिर यूज करेंगे एक है हमारे पास पॉइंट बन रहा है माइनस फोर कॉमा जीरो एक पॉइंट बन रहा है हमारे पास जीरो कॉमा माइनस फाइव ये इज नॉट माइनस फाइव जीरो दिस इज जीरो माइनस फाइव ओके तो ग्रेडिएंट निकाल लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा भाई माइनस फाइव माइनस जीरो हो जाएगा जीरो माइनस माइनस फोर ये बन जाएगा माइनस फाइव अपॉन प्लस फोर फिर दूसरे का ग्रेडिएंट क्या हो जाएगा एम टू का ग्रेडिएंट हो जाएगा फोर अपॉन फाइव पॉजिटिव ओके सही है भाई फोर अपॉन फाइव पॉजिटिव बन जाएगा दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है इसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वी वॉन्ट डू दैट ठीक है वी वॉन्ट गो इन टू दोज डिटेल्स हम लोगों को नहीं करना है हमें आगे जाके जो क्वेश्चन करने वो मैं बताता हूँ वी हैव टू डू इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल वो हमें करना है हम वी विल स्टार्ट विद दैट ओके यहाँ तक क्लियर है एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ हाँ भाई ऑल गुड ज्योमेट्री एंड देन वी हैव अनदर टॉपिक नाउ इसी का ही है इसी के अंदर का पार्ट है वही करना है दैट इज व्हाट इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है इक्वेशन ऑफ सर्कल करनी है लेकिन नहीं टाइम के ना टाइम उस हिसाब से है नहीं रुको एक मिनट दो ना जस्ट अ मिनट बस ऑलराइट इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो अभी हमने जितनी पढ़ी ना इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ रहे हैं इसके अंदर सिर्फ दो चीजें समझनी है तुम लोगों को ठीक है अगर वो दो चीजें समझ ली तो बस समझो कुछ सीन हो गया अगर वो और वो बहुत आसान है इतनी कोई मुश्किल नहीं है ठीक है तो मैं इसको अलग रिकॉर्डिंग में रख लेता हूँ